नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गलेक्सी A50 के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोन काफ़ी पुराना है और फिर भी इसमें अपडेट पर अपडेट आते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि इसमें फिर से एक अपडेट दे दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे जिस अपडेट की बात कर रहा हूँ मुझे, तो देखिए मैंने कल रात को ही इसको अपडेट किया है। जो मैंने अपडेट किया था, देखिए लास्ट अपडेट 28 जून। अब दोस्तों देखिए, इस अपडेट में हमें मिलता क्या है, आपका सिक्योरिटी पैच लेवल दोस्तों वो इंक्रीज हो जाएगा 1 जून का। दोस्तों ये थोड़ा सा बक्स कर रहा था, इसमें बक्स आ रहे थे हल्के फुलके से, वो भी दोस्तों फिक्स कर दिए गए हैं। इसका टेम्परेचर दोस्तों थोड़ा हाई हो रहा था चार्ज करने के बाद, या बैटरी जो होती है दोस्तों कैमरा यूज़ करने के बाद, वो भी दोस्तों काफ़ी फिक्स कर दिया गया है। और साइज देखोगे दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, 196 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो फ़ोन है काफ़ी पुराना है, समथिंग 2019 या 2018 का फ़ोन है ये, 2019 का, और इसमें अभी तक अपडेट दे रहा है सब सैमसंग। और दोस्तों मेरे पास सैमसंग S20 FE है 5G वेरिएंट, उसमें दोस्तों अभी तक मुझे अपडेट नहीं मिला 1 जून का सिक्योरिटी पैच लेवल वाला। बट A50 जो कि काफ़ी पुराना फ़ोन है, जिसमें आपको उससे पहले अपडेट मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक शॉकिंग वाली बात है कि सैमसंग अपने फ्लैक्सिबल लेवल के जो फ़ोन होते हैं उसमें अपडेट इतनी जल्दी नहीं दे रहा जितनी जल्दी आपको इस मिड रेंज में दे रहा है, जो कि दोस्तों शायद अब बंद भी हो चुका होगा। बट फिर भी सैमसंग अपनी इस A50 में काफ़ी टाइम से अपडेट देता चला आ रहा है और अभी भी दे रहा है। तो दोस्तों ये अच्छी बात है, जिन लोगों के पास A50 है उनको टाइम पर अपडेट मिलते रहते हैं। और दोस्तों मेरे पास सैमसंग कई डिवाइस हैं, जैसे कि S20 या फिर 5G, उसमें दोस्तों अपडेट नहीं मिलता, एक दो डिवाइस और हैं उनमें भी नहीं आ रहा, बट इसमें मुझे अपडेट टाइम पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ जाए तो आप फटाफट से कर लो, आपका फ़ोन पहले से स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।